हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। सो क्या बना रहे हैं मम्मा आज? हम बना रहे हैं लौकी के कोफ्ते। लौकी के कोफ्ते बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत इजी रेसिपी है और जल्दी भी बन जाते हैं। सो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। लेट्स गो फ्रेंड्स। चलो। सो फ्रेंड्स, मम्मा अब आपको बताएंगे हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। हमने प्याज कटी हुई लिए पतली, टमाटर की प्यूरी बनाई है ठीक है 3-4 की, और धनिया लिए पिसे धनिया, नमक, हल्दी, मिर्च, जीरा, तेज पत्ता, बेसन, और ये लौकी हमने काट छील के रखी है। इसको हम कद्दूकस करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारी लौकी को हम पतला पतला कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस कर लिया है पूरा। अब हमने फ्रेंड्स लौकी को कद्दूकस कर लिया है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब इसका पानी थोड़ा निकाल लेंगे, अच्छे से इसका पानी निकालेंगे ताकि जब हम इसके पकोड़े बनाएं, कोफ्ते बनाएं, तो पानी पानी ना हो, है ना मम्मा? हाँ। अब इसके पानी निकाल देंगे सारा, उसके बाद फिर मिलाएंगे बेसन इसमें। इसमें हम बेसन ऐड कर, मम्मा इसमें हम पानी बिल्कुल ऐड नहीं करते। नहीं, पानी ऐड नहीं करेंगे इसी में से बेसन। इसमें ऑलरेडी पानी होता है लौकी के अंदर। आप देखना कितना अच्छा पेस्ट बनेगा, इसके बाद भी मैच हो जाएगा अपने आप ही। पानी नहीं मिलाना इसमें बिल्कुल भी, ऑलरेडी पानी होता है ना जी, इतना निकाले उसके बाद भी होता है। अब बेसन मिलाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना बेसन। तो बेसन हमने एक बोल ले लिया है फ्रेंड्स पूरा। दो हमने बड़ी प्याज काट के रखी हैं, 3-4 हमने टमाटर पेस्ट बना लिया था। अब इसमें धनिया डालेंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं अपनी धनिया, मिर्च डालेंगे, बस लाल मिर्च, लाल मिर्च डालेंगे फ्रेंड्स, और इसमें डालेंगे थोड़ा जीरा, थोड़ा सा जीरा, इसमें डालेंगे थोड़ी हल्दी, थोड़ी सी हल्दी, और पिसी खटाई इसमें थोड़ी पिसी खटाई, थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर। अपने टेस्ट के हिसाब से आप बना सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको कम ज्यादा ये खटाई डालने से टूटेंगे, अच्छा ये खटाई डालेंगे अगर हम, तो हमारे कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। मैच कर लेंगे ऐसे। अब आप देख सकते हैं बेसन ऐसे मैच के हिसाब से मिलाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि एक बोल है तो मम्मा पूरा बोल डाल देना, नहीं नहीं, मैच करना जितने हिसाब से मैच हो जाएगा। कितनी लौकी है उस हिसाब से ही आपको बेसन, बस हमारे कोफ्ते से बन जाएंगे, इतना ही रखना है बेसन बस। ठीक है, इसे ज्यादा बेसन नहीं डालना। ठीक है, अब फ्रेंड्स का बैटर बन के रेडी हो गया। अब हम फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब इसमें डालेंगे ऑयल, थोड़ा सा ऑयल ज्यादा डालें फ्रेंड्स ताकि हमारे कोफ्ते अच्छे से फ्राई हो जाएं। अब इसमें ये फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमारा गरम हो गया, अब हम इसमें कोफ्ते फ्राई करेंगे। छोटे छोटे कोफ्ते बनाए फ्रेंड्स, ऐसे बना के फ्राई करेंगे सब। आप देख सकते हैं इतना इतना बैटर आपको लेना है। ऐसे गोल गोल कर फ्राई करेंगे। जितने ज़्यादा आप डाल सकते हैं, जितनी स्पेस है आप उतने डाल सकते हैं फ्रेंड्स, बस इतनी दूर दूर डालें ताकि आप पलट सकें। कोफ्ते अब रेडी हो गए, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। इतना हमें इसे गोल्डन ब्राउन करना है। बैटर में अगर वो डालेंगे ना किसी भी खटाई, तो उसमें ना फिर वो टूटेंगे नहीं। अब हम अपने बाकी जो ऑयल है तो निकाल लेते हैं, थोड़ा सा ऑयल अगर आपको नीट लगे तो आप निकाल लेते हैं। उसके बाद हम डालेंगे इसमें प्याज। अब हम इसी वाले ऑयल में डाल देंगे प्याज, प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन करेंगे फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसके बाद डालेंगे हम 2 चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच, और इसमें डालेंगे हम थोड़ी पिसी धनिया। अब हम इसमें डाल रहे हैं धनिया 2 चम्मच, 2 चम्मच। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये ग्रेवी। अब हम इसमें अपने डाल रहे हैं ग्रेवी, टोमेटो की ग्रेवी जो हमने पहले ही बना के रखी थी। अब इसमें डालेंगे नमक। अब हम इसमें डालेंगे अपना नमक डाल के थोड़ा ढक के पकाएंगे इसको। नमक और मिर्च अपने हिसाब से खोल के चेक करेंगे फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं ऑयल सारा साइड में आ गया है, मसाला अच्छे से टमाटर की ग्रेवी के साथ भून गया, सब मिक्स हो चुका है। अब हम डालेंगे इसमें ग्रेवी का पानी। अब इसमें हम डालेंगे 1 गिलास पानी। आप ग्रेवी अपने हिसाब से रख सकते हैं, थिक ज़्यादा कम आप अपने हिसाब से। हम रोटी के साथ खाएंगे तो हम थोड़ी सी थिक रखेंगे। अब इसमें डालेंगे तेज पत्ता, गरम मसाला, गरम मसाला 1 चम्मच और तेज पत्ता। अब इसको हम बॉयल करने देंगे थोड़ी देर, हम 10 मिनट और बॉयल करके उसके बाद ढक के
हम अपनी लेट हटा के चेक करेंगे फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं रेडी हो चुकी है, 10 मिनट हमारे हो गए हैं और रेडी हो चुकी है और ऑयल सारा ऊपर आ गया। अब हम इसमें अपने कोफ्ते जो हमने सबसे पहले रेडी करे थे वो डालेंगे आराम आराम से। ये हमारी लौकी के कोफ्ते की सब्जी है फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी बनती है, एक बार जरूर ट्राई करें। कलर भी आ गया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना अच्छा, ऑयल भी साइड से आ गया है। अब 5 मिनट इसको ढक के रखेंगे, ढक के से 5 मिनट्स पकाएंगे, देन फ्रेश हरा धनिया डालेंगे और हमारी सब्जी बन गई। तो हमारे 5 मिनट्स हो गए हैं, हम लेट को हटा के चेक करेंगे। आप देख सकते हैं सारा ऑयल ऊपर आ गया है, अच्छे से बॉयल हो गई है। अब हम डाल रहे हैं इसमें हरा धनिया, हम इसे गरम गरम सर्व करेंगे, फ्लेम को कर देंगे कोफ्ते की सब्जी। आप देख सकते हैं क्या कलर आया, कितनी टेस्टी लग रही है फ्रेंड्स। ये हमारा लंच एकदम रेडी है, रोटी सैलेड एंड सब्जी। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सब्जी बढ़िया एकदम रेडी है, कलर आप देख सकते हैं बहुत ही इजी है और बहुत जल्दी बन जाती है। घर पे ज़रूर ट्राई करें अपने और अपनी फैमिली को बना के खिलाएं, बहुत ज़्यादा यम्मी बनती है फ्रेंड्स। तो क्या कहोगे मम्मा आप फ्रेंड्स को, सब्जी आप एक बार बना के देखिए, बहुत इजी बनती है, जल्दी बन जाती है जी। बस कोफ्ते मम्मा में केयरफुली थोड़े बनाने ताकि टूटे ना, और कोफ्ते ग्रेवी में डाल के ज्यादा मम्मा हमें मिक्स नहीं करना है ना, क्योंकि फिर उड़ जाएंगे। सिर्फ 2 मिनट रखने, 2 मिनट आपको ज्यादा पूरी रेडी करके डालने, हाँ, और घुमाना भी नहीं है, स्टर नहीं करना ज्यादा, बस बन जाती है, जल्दी बन जाती है। तो घर पे जरूर ट्राई करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी रेसिपी पे चाहिए, हम उसे ज़रूर बनाएंगे। एंड वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, थैंक यू। सो फ्रेंड्स देखा आपने कितनी जल्दी हमारी रेसिपी बन गई, बहुत टेस्टी बनती है, घर पे ज़रूर ट्राई करें एंड हमें भी कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है और बहुत टेस्टी बनती है जी। और आप भी बनाइए और हमारे वीडियो को एंड तक देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी करें फ्रेंड्स कि आपको नेक्स्ट रेसिपी कैसे चाहिए। सो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, अपनी फैमिली को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें हमारा चैनल। एंड सो मिलते हैं कल अपनी नई वीडियो के साथ, जब तक खुद से प्यार कीजिए, फैमिली की रिस्पेक्ट कीजिए। जय झूलेलाल, बाय बाय।